preview. वंचित बहुजन आघाड़ी विजय प्रकाश अंबेडकर साहब तुम आगे बढ़ो। आज आपने किस चीज का निवेदन दिया है? आज हमने अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता साहब महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL औरंगाबाद रेंज को एक निवेदन दिया। निवेदन का विषय यह था कि जो बिल बाकी है लोगों के, उनमें जो इंस्टॉलमेंट अदा करते हैं वो इंस्टॉलमेंट की जो सहूलत है MSEB की तरफ से वो खत्म कर दी गई थी। ऐसा हमारे पास आया, लोगों ने आगे शिकायत की कि जो सहूलत है MSEB की जानिब से वो खत्म कर दी गई। उसी को लेकर आज हमने कार्यकारी अभियंता साहब से मुलाकात की और उन्हें निवेदन दिया और उन्हें बताया कि चूंकि अभी जो और गरीब लोग हैं जो रोज के कमाने खाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का मरहला है, क्योंकि अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से MSEDCL की तरफ से ये सहूलत दी जाती थी जिसका लोगों ने फायदा उठाया और उन्होंने बिल थकित नहीं है, मतलब खत्म वो नहीं भरे नहीं है, उन्होंने उसका फायदा लेकिन इंस्टॉलमेंट का नाजायज फायदा नहीं उठाया, उसका लोगों ने धीरे धीरे भरे और उस पर जो ब्याज था MSEDCL को वो उसका प्राप्त हुआ, उसको MSEDCL उसमें नुकसान में नहीं रही। इसी को लेकर 1 फरवरी से जो सहूलत खत्म की गई उसको दोबारा शुरू करने के लिए हमने साहब को निवेदन दिया। साहब ने हमारी बात को गौर से सुना और हमने साहब को ये बताया कि अभी मार्च एंडिंग का जो है सबका टारगेट चल रहा है, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय है ऑफिसेस है वहां पर मार्च एंडिंग का बजट जो है उनका टारगेट पूरा करने के लिए लोग जो है कलेक्शन के लिए निकले हैं, लेकिन उसका गैर फायदा उठाकर लोगों को परेशान ना किया जाए। ऐसे लोग जो वन टाइम में देने के लिए वो अवेल नहीं है उसके लिए, तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जाए। जो उसके देने के हैं तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा के काम करके करने वाले हैं उनके लिए जो है आप उनको नजरअंदाज मत कीजिए, उन पर ज्यादा सख्ती मत कीजिए और जो है उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलत दीजिए और ये जो आपका इंस्टॉलमेंट की प्रोसेस है ये दोबारा शुरू कीजिए। तो साहब ने हमारी बात गंभीरता से सुनी और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ये जो उनकी सहूलत देने की जो प्रक्रिया है ये दोबारा शुरू करेंगे। अगर MSEDCL ये सहूलत दोबारा शुरू नहीं करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी लोगों के हित के लिए फायदा के लिए जो है MSEDCL ऑफिस पर तीव्र आंदोलन करेंगे। ये कितना अहम मुद्दा है, मतलब जैसा कि ये प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं इसको महावितरण, तो इसकी तरफ से ही गया तो ये ऑर्डर ये कंपनी की तरफ से था या सरकार की तरफ से? देखिए सरकार से ये लोगों ने कॉन्टेक्ट लिया है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने, ये इनका काम है कि सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करना और एक एजेंसी है उनका काम है लोगों से ग्राहकों से पैसे वसूल करना। लेकिन MSEDCL का जो शासन का निर्णय है उनका शासन का निर्णय ये है कि आप अगर कोई आदमी अगर बिल नहीं भरता एक उसका एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाता है उसके बाद दूसरा बिल जो है जनरेट हो जाता है, बिल दूसरा बिल जनरेट होने के बाद भी अगर वो नहीं भरता तो उसे जो है पहले 15 दिन की नोटिस देना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई आप बिल भर दो। उसने अगर वो बिल भरता है पार्ट पेमेंट करता है उसको कंसिडर किया जाता है, अगर फिर भी नहीं भरता तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद उसका कनेक्शन जो है कट किया जाता है। लेकिन MSEDCL शासन का जो निर्णय है शासन का जो आदेश है उसको नजरअंदाज करके डायरेक्ट जो है ये जाके उनका बिल जो है कट कर दे रहे, ये गलत बात है। ये बात भी हमने साहब के संज्ञान में लाए हैं कुछ और साहब को बोले कि इस तरह की हरकत न की जाए, सामने वाले को नोटिस पेशगी नोटिस देना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके हालात खराब रहते हैं, अगर आप उसको टाइम देंगे तो उस हालात में वो पैसे जमा करके आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भर देगा। मेरे साथ सिद्दीकी सलीमुद्दीन हमारे महासचिव मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, सलीम शरीफ शेख साहब, प्राध्यापक अब्दुल समद साहब इस शिष्टमंडल में मौजूद थे। अहमद जली शहर अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद सेंट्रल।